और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो केक, वो भी बिना ओवन और बिना अंडे के। तो फिर चला जाए नीरू की रसोई में। ओरियो केक बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 बड़े पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं, बस इसी के साथ केक बनाएंगे। अब एक पॉट में हम सारे बिस्किट को निकाल लेंगे। ये बिस्किट वेनिला फ्लेवर का है। अब सारे बिस्किट को हाथ से तोड़ के छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि जब हम चर्न करें तो फटाफट हो जाएगा। अब ये लिया है ग्राइंडिंग जार और उसी में हम बिस्किट को डाल देंगे। अगर बड़े टुकड़े रह गए हैं तो उसको भी आप तोड़ लीजिए। कोई भी क्रीम, दूध कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको ऐसे ही चर्न करके एक पाउडर बनाना है। देखिए पाउडर बन गया है। अब एक स्पून से या फोक से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम की वजह से जो भी इसमें मॉइस्चर है वो अलग हो जाएगा। देखिए फाइन पाउडर एकदम तैयार हो गया है, बस ऐसे ही आपको भी तैयार करना है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कप दूध, नहीं ठंडा नहीं गर्म, ये रूम टेम्परेचर पे हमने लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे और ये हम क्लॉकवाइज इसको मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम क्लॉकवाइज ही करेंगे। आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज सुविधा पड़ती है तो आप वैसे कर लीजिए। डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ना, केक फूलेगा नहीं बल्कि बैठ जाएगा, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं बस वैसे ही करना है। थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स भी नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा ये बैटर तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। कितना बढ़िया ये सिल्की सा बैटर बन रहा है। अब यहाँ पे हमने लिया एक पतीला हैवी बॉटम का। आज हम स्टीम में केक बनाएंगे। ये हमने लिया 2 स्टैंड, जो ये पहला स्टैंड रख रहे हैं वहां तक पानी रखना है कि वो स्टैंड डूब जाए, और उसके ऊपर ये दूसरा स्टैंड रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं केक का टिन तैयार करते हैं। इसके लिए ये हमने लिया 7 इंच का टिन। अगर आपके पास ऐसा केक टिन नहीं है कोई बात नहीं, आप स्टील का डब्बा ले लीजिए। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाला है ऑयल, आप बटर का भी यूज कर सकते हैं, बस उसमें ही डाल देंगे बटर पेपर और इसको भी एक बार ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर इसलिए डालते हैं कि केक हमारा नीचे से लगता नहीं है और जब हम रिमोल्ड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सिल्की स्मूथ बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। आप वीडियो देखते देखते बनाएंगे, सेम मात्रा डालेंगे तो आपका भी बैटर ऐसे ही बनेगा। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट केक बनता है ये और बहुत जल्दी बनता है, कम सामान में बनता है। अब यहाँ पे हमने लिया 1/2 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 पाउच हींग, बस इस प्रोसेस को फटाफट करना है, फटाफट इसको फेंट लेंगे। इनो डालते ही ना ये एकदम फ्लफी देखिए बैटर बन जाएगा, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना, बस जल्दी जल्दी फेंटना है और इसको इस टीम में डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास है चोको चिप्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हमने डाला है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए।
बस इसको टैप कर लेंगे 4 से 5 बार, ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स अगर है तो वो निकल जाएगा टैप करने से। पानी भी अच्छे से बॉयल हो गया। बहुत ध्यान से हटाना है इसका लेट, क्योंकि पानी अगर लग जाएगा तो जलने का डर रहेगा। बस इसको सेंटर मिलाते हुए अच्छे से इसको रख देंगे और कम से कम 45 मिनट बाद ही इसको खोलें। 45 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। स्टीम की वजह से वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो केक बहुत बढ़िया हमारा फूल रहा है। और जो केक स्टीम में पकता है ना, बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका केक कैसे बना। चलिए 45 मिनट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं टूथपिक से। ये देखिए अभी टूथपिक क्लियर नहीं है, इसलिए इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर से लिड से कवर कर देते हैं और पकने देते हैं मीडियम फ्लेम में ही। 5 से 7 मिनट हो गया है, अब एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। एकदम क्लियर है, इसका मतलब केक हमारा पक गया है। गैस को कर देंगे बंद और ठंडा होने के लिए केक को रख देंगे। कितना देखिए सॉफ्ट केक बना है, बहुत स्पॉन्जी है। केक को गरम कभी भी डिमोल्ड मत करिए, जब ठंडा हो जाए तब करिए। गरम केक अगर आप डिमोल्ड करेंगे ना तो ये बहुत स्पॉन्जी होता है ना, तो ये टूट जाएगा। इसके किनारे को नाइफ से हम एक बार छुड़ा लेंगे ताकि आराम से ये निकल जाए। यहाँ पे हमने लिया है केक बोर्ड, बस उसी में हम निकालेंगे केक को। दो चार बार इसको टैप कर देंगे ताकि बहुत आराम से निकल जाए। ये कितना बढ़िया बना है। अब इस बटर पेपर को भी हम निकाल लेंगे। कितने आराम से देखिए निकल रहा है, ऐसे ही आपको भी करना है। बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट है केक, आप जब चाहें तब बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मिल्क चॉकलेट थी, उसको हमने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, डेयरी मिल्क 2-4 लीजिए और एक पतीले में पानी गर्म कीजिए और दूसरे पॉट में चॉकलेट डाली डेयरी मिल्क डालिए और बस उसके ऊपर रख के इस तरीके से चलाते जाइए, अपने आप ये मेल्ट हो जाएगी। जैसा आपको करना है बस इसी तरीके से। कोई फ्लेवर चॉकलेट नहीं लेना है, डेयरी मिल्क या डेयरी मिल्क सिल्क। बस अब इस चॉकलेट को केक के ऊपर डाल देंगे और फिर जैसे गिर रही है इसको गिरने दीजिए। ये अपने आप में एक डिजाइन बनेगी, बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। अब एक लीजिए नाइफ और इसको इस तरीके से चारों तरफ से स्प्रेड कर लीजिए और नीचे की तरफ इसको चॉकलेट को थोड़ा सा करिए ताकि वो अपने आप नीचे, देखिए चॉकलेट नीचे आ रही है ना, बस यही डिजाइन बनेगी आपकी। बहुत आराम से करना है इसको, सुंदर ही डिजाइन बन रही है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ये हमारे पास सिल्वर स्प्रिंकल्स है, उसे हम कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ और स्प्रिंकल्स हो तो आप उसको डाल दीजिए, और नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसको जेम्स होती है ना उससे डेकोरेट कर सकते हैं या ओरियो बिस्किट से ही डेकोरेट करिए। आप जैसे चाहें वैसे अपनी कोई भी नई क्रिएटिविटी के संग डेकोरेट कर सकते हैं। और हमारे साथ इसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने अपने केक को कैसे डेकोरेट किया। चलिए इसको कट करके दिखाते हैं। केक कटने में ही आपको लग रहा होगा कितना ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए हम चले केक एंजॉय करने, आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।